नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साची बात। साची बात के सभी दर्शकों का मैं बहुत अभिवादन करता हूं और बहुत ही हर्ष के साथ मैं आज आपको जहां लेकर के आया हूं वो है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित NDMC के कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर आज जो है छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का जो है दो दिवसीय सम्मेलन यहां चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज सुबह जो है पैफी यानी कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के साथ मिलकर के उनके सहयोग से आज शुरू हुआ है और जिसका उद्घाटन उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं, मशहूर गायक हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और जो कोरोना के बाद, जो महामारी के बाद जो खेलों की जो इस समय की जो स्थिति है उस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। और आज जो है इस फंक्शन में अब जो है ठीक 5:30 बजे जो अवार्ड फंक्शन का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, उस अवार्ड फंक्शन में देश के जाने माने खेल विशेषज्ञ द्रोणाचार्य एवं अर्जुन अवार्डी, खेल वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिन्होंने जो देश को सम्मान दिलाया है उन खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में जो है आमंत्रित किया गया है और उनको अवार्ड देकर के यहां पर सम्मानित किया जाने वाला है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं कार्यक्रम के अंदर, हॉल के अंदर जहां पर वो अवार्ड फंक्शन होने ही वाला है अब से कुछ ही देर में। तो चलते हैं अंदर की ओर।
देखा और सुंदर अंशुना कर लेते हैं। हाँ क्या बात है,
बहुत आनंद मिला। अच्छा सीमा ने, नीतू ने, रंजीता ने और शालिनी ने। दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट में कभी नहीं आना चाहिए। यदि हमको इस देश को जिस पटल पर खेलों में लेकर जाना है तो मैं सही बताऊं, हमको आदरणीय संदीप प्रधान जी जैसे कई अफसरों की जरूरत है जो लोग इस खेल की दुनिया को आगे बढ़ा सकें। पहले किसी साई गुजरात थे, उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में प्रधानमंत्री के रूप में चयन हुआ, सर के साथ आए और सर लगातार 7 साल से साई के अंदर पूरा दोस्तों हम लोग जाने वाले को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम हम उनके परिवार का संबल बन सकते हैं और उस संबल के लिए हम लोगों को उनको याद। यूजीसी एकेडमिक कॉलेजेस रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान बाय राष्ट्रीय नारी शक्तिकरण संघ न्यू दिल्ली। I request all the photographers to kindly stand up. Next, Dr. Kishore Mukhopadhyay sir, recipient of J.P. Gautam Lifetime Achievement Award in the field of physical education. He is an associate professor, Union Christian Training College, Badampur, Murshidabad, West Bengal. He has organized national and international conferences, more than 40. Served as a resource speaker in India, Philippines, Thailand, Malaysia, Nepal and Pakistan. Encourage participation in physical fitness and sports for all the age categories. Also, a recipient of JRF Award. Next, Saroj Kumar Panda sir. He is a skilled, dedicated and energetic individual with lot of experience in the sports and research field. He has done his PhD in the field of physical education. He is a technical officer in the athletic meets and many other meets. I request Saroj sir to kindly step up. Moving ahead, we have J.P. Gautam Award for Best Physical Education Teacher. In the North Zone, Ms. Rashmi Sagar Ma'am. Hello ma'am, please come. Ma'am is the Educator of Sports in Venkateshwar International School, Sector 10, Gwalior. He is presently working as Educator of Physical Education Department with G.D. Goenka Public School, Gwalior, Sector 10. She is having a total experience of 21 years. She has done her BBA, MBA, and MPhil. She has also completed her NIS
Bengal from Pride actively participated in Fit India movement in the 2021 year and also a recipient of Best Physical Education Teacher Award from Uni Applied powered by the Times of India on 5th of September. Congratulations, ma'am. From the North Zone, we have another winner, Sri Rakesh Sharma sir. Awardee, Sri Rakesh Sharma sir. Rakesh Sharma sir is an MPE, MA, BPE qualified Delhi State Kabaddi referee, Delhi State Pro Ball referee, and he specializes in volleyball. He is a player of Pro Ball, Volleyball, Adebadia, and Tipple Tackle. Thank you so much. Next on the North Court is Mr. Krishna Kumar Chiller. इन सभी ने अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से आज ये हमारे बीच यहाँ पर अवॉर्डी के रूप में मौजूद है। आप सभी से अनुरोध है तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। फ्रॉम द साउथ जोन रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर जी पी गौतम अवार्ड फॉर द बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर श्री एच रुद्रेश Dr. D. Prasanna Balaji from South Zone, also a recipient of Dr. G.P. Gautam Award for the Best Physical Education Teacher. Rudresha sir, please. From South Zone, Dr. Prasanna Balaji. श्रीमती नारायणा कविता रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर जीपी गौतम अवार्ड Thank you.
things. Dr. Suresh Kumar Mehta. Recipient of Advaiti Lifetime Achievement Award in Kochi. Hello. अभी फोन पर बात कर रहे हैं. For the best coach, Dr. Advaiti Award again for the Manoj Kumar. Hello. 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 Shri Manoj Singh Kushwaha ko. Pani, shooting ko. Baad baat karte hain. Dr. Advaiti Singh Award for Best Coach. This award goes to Lakshmibai National College of Physical Education, LNCPE. This award will be received by their principal, Dr. G. Kishore sir. डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा मैम, मैं बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड मैडम मीनाक्षी पाहुजा जी की तरफ से है, जिसमें उनके मदर फादर कोमल एन जी के पाहुजा जी को याद करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है. अब किरण कुमार कुलकर्णी सर को इस बार ये अवार्ड दिया जाता है. सर ये हमारे यंग फैकल्टी फिजिकल एजुकेशन टीचर था, अभी अचानक से कोविड से पहले हमारे बीच से और बहुत डायनेमिक काम कर रहा था, हम लोगों ने उनके नाम पे ये अवार्ड दिया है. उनकी वाइफ आई है, ठीक पर चलिए आइए. और इसी कैटेगरी में डॉक्टर सोनिया माथुरा बेस्ट ऑफिशियल जज रेफरी एंड अंपायर. सर थैंक यू आपका ये सारे बैठे अवार्ड के लिए. मैं बस 2 मिनट और लूंगा सर.
हमारे इन जूरी मेंबर्स को आप लोग सम्मानित करें जिन्होंने इन नवरत्नों का चयन किया। तो सबसे पहले मैं माननीय संगीत प्रधान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जूरी मेंबर के चेयरमैन डॉक्टर डी के उपल सर का आप सौंत ग्रह के स्वागत करें। सर प्लीज। इसके बाद डॉक्टर बंसल सर, ए के बंसल सर, आप लोग जोरदार ताली बजाएं, ये लोगों को नोटिस कैच किया हुआ है। डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बंसल सर जितना सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को आगे बढ़ाने में उतना बहुत कम लोगों के लिए संभव होता है। हमारे बीच लीला सूद मैडम है, डॉक्टर लीला सूद, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुए हैं और हमेशा पैटी के लिए समर्पित भाव से इस अवार्ड के लिए काम करते हैं। इस अवार्ड में हम लोग अलग अलग फील्ड के लोगों को लेते हैं और जर्नलिस्ट के रूप में हमारे बीच में राजेश राय जी जो UNI के स्पोर्ट्स हेड हैं वो हमारा सहयोग करते हैं और राजेंद्र ताजवान सर दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी। ताजवान सर इस अवार्ड की जब कमेटी बनाई जाती है तो इसमें जो प्रीवियस अवार्ड विनर है उनमें से एक मेल और एक फीमेल को दिया जाता है। तो रिचा सुंदी मैम हमारे यहाँ पे हैं, इनको इससे पहले पैटी अवार्ड मिला था, और प्रवीण नागर, प्रवीण नागर जी मैं प्रवीण नागर जी से अनुरोध करूंगा और एक ग्रुप फोटोग्राफ चेतन जो इस अवार्ड के कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी मैं सम्मान कराना चाहूंगा आ रहे हैं जी सर के हाथों से जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है पूरे प्रोग्राम के जिन्होंने चेतन सर इस पूरे अवार्ड को पिछले 5 साल से ही चेतन ने बनाया हुआ है। चेतन की परिकल्पना पर हम लोग काम कर रहे ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सरल भारद्वाज, सरल शर्मा सर और एक ग्रुप फोटो भी जल्दी से आ जाए, सभी अवार्डीज ग्रुप फोटो के लिए खड़े हुए। और पूरे देश से हजारे हुए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, सबसे पहले मैं सभी विजेताओं को जिनको जिनको आज अवार्ड मिला है, जिनको रिकॉग्निशन मिला है, उनको बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वैसे प्रोफेसर गुप्ता साहब जिनके बारे में मैंने सुना था PCI में काफ़ी कार्यरत थे, हमारे गुवाहाटी के डीन बासु मटारी जी जिसके साथ मैंने काफ़ी क्लोजली इंटरेक्ट किया था क्योंकि मैं साई की तरफ से हमने साइकिलिंग और आर्चरी की वहाँ पे एकेडमी भी एस्टैब्लिश की है, प्रोफेसर जयसी आचार्य जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन मंत्रालय में काफ़ी रहा, आज ये तीनों हमारे बीच नहीं रहे तो उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। आज कोई भी बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन आप लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी का भी अगर एग्जांपल आप लेंगे तो आप सभी जानते हैं
कि उनका फिजिकल एजुकेशन टीचर जो थे ग्वालियर, शायद ग्वालियर एलएनसीपी के वो पढ़े लिखे थे, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, तो उन्होंने ही उनको पहले फुटबॉल सिखाया, उन्होंने उनको फिर कहा कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। तो जो सबसे पहला एक गेम सिखाने वाला है वो सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसलिए मैं उनसे उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं फाउंडेशन की बहुत इज्जत करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो भारत को ओलंपिक में एक हमें एक स्पोर्ट्स का भी पावर सेंटर बनाना है, हमें ओलंपिक में एक्सीलेंस हासिल करना है, उसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर और ये फाउंडेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये सब मेरा मानना है। आप जानते हैं हमारे साथ डॉक्टर किशोर है, उन्होंने भी ये कोविड समय में और कोविड के बाद में भी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बारे में की टीचर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग शुरू की है। तो ये आप ही लोग हैं जो अलग अलग शिक्षा गेम्स के लिए बच्चों को आप ट्रेन करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लास्ट में सिर्फ एक ही आपको गुजारिश करूँगा कि कभी भी एक्सीलेंस का इन ओलंपिक्स या कोई भी एक्सीलेंस का श्रेय वो पूरी टीम को जाता है। आपके जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर बच्चे की शुरुआत कराते हैं, वहाँ से लेकर के साई हो या नेशनल कैंप हो या और आपका कोई भी हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से बच्चा वहाँ से मेडल निकालता है। तो इसीलिए हमें सभी को याद करना चाहिए और एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स के लिए कोई एक इंसान जिम्मेवार नहीं हो सकता। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ देम, उनके कोचिज है, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, स्कूल्स है, उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, बच्चों के पेरेंट्स हैं, इनका सबका बहुत योगदान रहता है और सभी को हमें साथ में लेकर के ही हम भारत को स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही ताकतवर देश बनाएंगे और हम एक स्वस्थ भारत के भी निर्माण आपके माध्यम से ही वो होगी, ऐसा मुझे कल मेरी कल्पना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक और पूनम मैडम को बुला लूँ, मंथन स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो उनको ओके देके सम्मानित करें। और हमारे गुरुजी से अनुरोध करूँगा, आचार्य लोकेश मुनि जी से भी दो शब्द कहें, आपका आशीर्वाद मिले सब लोगों को और बाकी सभी लोग अवॉर्डी लोग यहाँ टीम स्टेयर्स पर अपना बनाएं जिससे आपका ग्रुप फोटो अच्छा हो, ये हमारा फल है कहीं। थैंक यू। मुझे लगता है अभी बोलने का समय नहीं है, पांच सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो सबसे देखी जो निर्माण के कार्य में, सृजन के कार्य में, उत्थान के कार्य में किस तरह से समर्पित है और आज जिन अवार्डियों को सम्मानित किया गया है। तीन महीने की जो तैयारियां थी उनका पहले दिन का समापन आ गया है।
मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पूरे शो को एंजॉय किया होगा। आप सब लोगों के लिए ऊपर सेकंड फ्लोर पर डिनर देखेंगे। तो ये था छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का दो दिवसीय सम्मेलन का पहला दिन, और आज इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो रहा है। कल दूसरे दिन का सम्मेलन शुरू होगा कल सुबह 9 बजे। पेफी की ओर से यानी कि फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये 5वां अवार्ड फंक्शन था, जिसमें जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोगों को ये अवार्ड दिए गए। कुछ कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड को लेकर के जो आपको उपलब्धि हासिल हुई है आज? ये रिकग्नाइज्ड बाय द फिजिकलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड आल्सो फॉर द फिजिकलाइजेशन टीचर्स, इट इज़ वन ऑफ द गेट वे टू बी डू मोर सर्विसेज फॉर द यंग चिल्ड्रंस, फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस, एंड वी विल दिस विल बी वी कैन से दैट मॉडल टू द थिंग चिल्ड्रन, दे आल्सो वन फाइन डे विल बिकम लाइक अस। And also being a physicalization teachers, it's our duty to teach the youths to become hale and healthy, fitness. Thank you, very important. Yeah. Really it's a wonderful program, because in all over India for the physical education teacher they are not giving this kind of opportunity, giving the award and so that the Physical Education Foundation of India has organized this kind of such a program to promote, to get a motivation by physical education teacher to do more and more work to get this award and all this. Thank you Physical Education Foundation of India. Congratulations, all the best, and keep doing this kind of program more and more. And where are you from? I'm from Bangalore. This you all together? Yeah, so we are all from Karnataka. Thank you sir. I'm Dr. Kiran Kulkarni. I'm a consultant in sports and exercise medicine. I'm a medical doctor. So thanks for this award. Most important is for the first time I think physical education department and Physical Education Foundation of India, I think they have recognized the services of a medical doctor, because all this time all the sporting departments, including the Sports Authority of India, including the Indian Olympic Association, including the state associations, every time they only appreciate the services of the coach, services of the administrator, services of the they need to appreciate and recognize the services of the medical doctors and the scientific community. So I am thankful to Physical Education Foundation of India. Most important is because they have for the first time recognized the services of a medical doctor, because I am trying to stress it, because even medical doctors have, as a sports medicine consultant, I have been the national team doctor for football, national women hockey team, and men and women gymnastics. So I feel to receive this award is a proud privilege. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good evening, sir. Myself H. Sudresh, working as a grade 1 physical education teacher, say J. Bharati Cooperative High School, Attebele, Anekal Taluk, Bangalore South District, Karnataka. So I received this award, and today I'm very happy. So I can say to thanks to everybody. Thank you, Nadal. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Welcome, sir. Just wait for a while. सर आज के सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बधाई। आज का पहला दिन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, और इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। पेफी पिछले बहुत सालों से इस फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन को उत्थान के लिए बहुत सालों से काम कर रही है। हमारे मन में एक बात यह रही है कि जो हमारे शारीरिक शिक्षक होते हैं उनको बहुत कम इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसको दिमाग में रख के हमने इस बार अपने नेशनल सेमिनार के साथ ही जो हमारा अवार्ड फंक्शन है उसको हमने जोड़ दिया, ताकि जो हमारे शारीरिक शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार से पुरस्कृत किया जाए, और वो और ज़्यादा मेहनत करें
उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मेहनत करें। और एक बात आप भी मेरे से बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे, जब तक स्कूल में शारीरिक शिक्षक को उसको उसका आदर नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में खेलों का स्तर ऊपर नहीं जा सकता। जो एक फाउंडेशन तैयार की जाती है बच्चे की, वो स्कूल में की जाती है। और जब तक हमारी गवर्नमेंट इस शारीरिक शिक्षा को इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएगी, प्रोत्साहित नहीं करेगी, तब तक हमारे खेलों का स्तर जैसे हो रहा है, कभी 6 और मेडल आ जाते हैं, फिर 2 रह जाते हैं, अब 7 आए, अगले साल देखना है। ये गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोत्साहित किया है फिज़िकल एजुकेशन को, और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले सालों में इसका भविष्य जो होगा और भी उज्ज्वल होगा, बहुत उज्ज्वल होगा। ठीक है सर, आपकी इस अच्छी सोच को हम सैल्यूट करते हैं अपने चैनल की ओर से, और भविष्य में ऐसा ही हो ऐसी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच सर। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। वेलकम सर। तो आप देख रहे थे पेफी द्वारा आयोजित आज का ये पहला जो सम्मेलन का पहला दिन था, और आज ये सम्मेलन का पहला दिन अपने विधिवत कार्यक्रम के द्वारा शुरू होते हुए, और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ और जो यहाँ पर अवार्डीज़ थे उनको अवार्ड देने के बाद ये कार्यक्रम आज समापन हो चुका है। कल दूसरे दिन फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिस पर जो आगामी जो हमारे देश के जो खेलों की स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ भी आपसे विदा लेता हूं साची बात के लिए, और जल्द अगली खबर के साथ आपसे मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली खबरों के लिए हम आपसे मिलते रहें और आप हमारी खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।